अभी मैं उपस्थित हूँ पटना जिला के जमहारू इमामगंज पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री राज कपूर सिन्हा जी मेरे साथ उपस्थित हैं और वो अपने पंचायत में जो शिक्षा का अलख है उन्होंने जगाने के लिए अपने पंचायत के सभी प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों के साथ अहम बैठक कर उन्होंने क्या निर्णय लिए हैं आगे शिक्षा अपने पंचायत में किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देना है ये सारी बात उन्होंने रखी है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अपने पंचायत को किस तरह से अपने शिक्षा के ऊपर विकास कर पाएंगे मैं उनसे जानना चाहूंगा। सर बताएंगे अपना परिचय आप। राज कपूर सिन्हा पूर्व मुखिया जमहारू इमामगंज पंचायत सह जिला महासचिव। पंचायत में शिक्षा के संबंध में हम लोगों को पंचायती राज विभाग बिहार सरकार भारत सरकार द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हम अभी काम कर रहे हैं जिस संदर्भ में कल ही हमारी एक बैठक हुई थी जिसमें सारे प्रधानाध्यापक जो भी हमारे पंचायत में विद्यालय है उसके सारे प्रधानाध्यापक के साथ हमारी बैठक हुई और उस बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया और चूंकि ये पहली बैठक थी तो शिक्षा किस तरह से सुधार हो आपस में शिक्षकों के साथ और कुछ हमारे अभिभावक भी थे उन लोगों के साथ बैठ करके चर्चा हुई है। आगे फिर पुनः हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो एक ही लक्ष्य दिया गया है शिक्षकों को और मैंने निवेदन किया है कि आप सभी शिक्षक पहली बैठक में सबसे पहले तो आप समय पर विद्यालय आएं और समय पर आप जाएं। दूसरा मैंने कहा है कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पोषाहार का वितरण हो और तीसरी बात मैंने कहा है कि अगली जो बैठक होगी उसका एक एक सप्ताह के अंदर आप एक डेट तय कर लीजिए सभी विद्यालय के शिक्षक और जो बच्चे नामांकित हैं उसके अभिभावक के साथ एक बैठक करेंगे। और तीसरा यह कि जो भी शिक्षक छुट्टी पर रहते हैं चार बिंदुओं पर हमने काम किया है फिर अगली जो बैठक होगी बारी बारी करके सभी विद्यालयों में बैठक करेंगे और एक रोड मैप बनाए हैं सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से और सुधारने का कोशिश करेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से हम उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं शिक्षकों की मदद से अभिभावकों की मदद से हम कितना सहयोग कर सकते हैं कहाँ कमी है इसको हम लोग देखते हैं। सर यहाँ पे अभिभावक की जहाँ तक बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि अभिभावक या जो भी जनता लोग हैं वो सिर्फ शिक्षकों को दोष देते हैं अपने लड़के को वो नहीं दोष देते हैं कि हमारा लड़का पढ़ने में तेज नहीं है मैं उसे मेहनत नहीं करता हूं। उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो शिक्षकों को पढ़ाना नहीं आता है ठीक से पढ़ाते नहीं है वो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इसमें अभिभावक का भी बहुत ही कमी है और वह कमी साफ दिखता है इस मामले में है कि चूंकि अगर वही अभिभावक का बच्चा उसी हमारा ही बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं तो सुबह में हम उसको नहा धोवा करके नाश्ता तैयार करके और स्कूल तक छोड़ने तक जाते हैं जबकि हमारा बच्चा वही बच्चा जब सरकारी विद्यालय में जाता है तो उसकी कोई चिंता नहीं होती है। तो गार्जियन अभिभावक कहीं न कहीं दोषी तो है हम शिक्षक को दोषी कह दें ऐसा मेरा नहीं मानना है क्योंकि बच्चे जाएंगे पढ़ाई नहीं होगा। मैंने तो कहा है कि आप बच्चे को भेजिए पढ़ाई नहीं होगी इसकी जवाबदेही हमारी है इसलिए अभिभावक भी दोषी है ऐसा नहीं कि शिक्षक पर यह मर दिया जाए कि सरकारी टीचर है उससे बेहतर कहीं थोड़े टीचर है। सर सर आपसे जानना चाहूंगा कि आपको जो ये सरकार के माध्यम से गाइडलाइन मिली है
तो अपने पंचायत के जनता से, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपका क्या सोच है कि मैं अपने पंचायत को कितना बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मैं अपना भूमिका निभाऊं, इस पर सर आप बताना चाहेंगे। प्रथम बैठक तो हम पूरे विद्यालय के प्रधान टीचर और सहायक टीचर के साथ कल ही किया था, जिसकी सूचना हम अपने प्रखंड से जिला तक के इवन शिक्षा विभाग में भी मैंने दिया है, मंत्री जी को भी दिया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए। इनका कहना है कि मैं जो सरकार का भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए मैं अपना पूरी कोशिश अपने पंचायत में करूंगा शिक्षा के ऊपर, कि हमारा पंचायत जो है वो शिक्षा के मामले में सबसे बेहतर यहाँ पे लोगों का, बच्चों का डिग्री हो, यही मेरा कोशिश रहेगा। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।